कहानी के शुरू में हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम थॉर हेडरल था। वो एक बर्फीले इलाके में था। वहाँ पर से बर्फ हटी हुई थी और उधर पानी था। उस पानी पर बर्फ के दो टुकड़े थे। उस दूसरे टुकड़े पर आरी पड़ी हुई थी। वहाँ पर बहुत सारे बच्चे भी थे। कोई भी उतर जाना नहीं चाहता था, पर थॉर उतर जाता है। सब बच्चे उसे मना कर रहे थे, पर वो आरी को जाकर उठा लेता है। और जब वो आरी को लेकर वापिस आ रहा था, तभी उसका पांव फिसल जाता है और वो पानी में गिरकर डूबने लगता है। लेकिन उसका एक दोस्त उसको बचा लेता है। अब थॉर को घर लाया गया था। उसके डैड कहते हैं कि मुझे लगता है तुम्हें सबक मिल चुका होगा। तुम मुझसे वादा करो, आइंदा तुम अपनी आने वाली जिंदगी में इस तरह का खतरा कभी अपने सर नहीं लोगे। पर थॉर अपने डैड की कोई बात का जवाब नहीं देता। और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजर जाता है और साल आता है 1937 का। थॉर अब बड़ा हो चुका था, अलग अलग जगहों पर घूमता था और वहाँ के लोगों के बारे में रिसर्च करके अपनी किताब में लिखता था। थॉर यहाँ पर इसलिए आया था ताकि वो यहाँ पर रहने वाले लोगों के बारे में रिसर्च करके इन लोगों के बारे में जान पाए। एक दिन वो अपनी दोस्त के साथ आइलैंड पर बैठा था। उनके पास एक बूढ़ा आदमी आता है, कहता है कि ये दास्तान गॉड ही जाने कि हम लोग ईस्ट से यहाँ पर कैसे आए हैं। थॉर कहता है, अच्छा क्या आप वाकई ही ईस्ट से आए हैं? वो बूढ़ा आदमी कहता है, हाँ हर एक चीज ईस्ट से आई है, जैसे हवा, सूरज की रोशनी, सब कुछ। और हम भी इस सूरज की रोशनी की वजह से यहाँ पर आए हैं। वो बूढ़ा आदमी अब इसको एक मूर्ति दिखाता है, एक स्टैचू। ये मूर्ति इनके देवता की थी। तो कहानी कुछ यूँ है कि ये सब लोग साउथ अमेरिका से आए थे, पर कुछ लोगों ने इनके बारे में गलत लिखा है कि सब लोग यहाँ पर एशिया से आए हैं। थॉर इस बात पर बहुत हैरान था। अब साल आता है 1946 का। थॉर पिछले 10 सालों से इन्हीं पर रिसर्च कर रहा था। उसने इस बारे में अपनी एक किताब भी लिखी। उसने अपने 10 साल आइलैंड पर गुजारे थे और फिर सब चीजों के बारे में जानने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा कि वो बूढ़ा आदमी सही था। उस आइलैंड पर रहने वाले लोग एशिया से नहीं बल्कि साउथ अमेरिका से आए थे। और फिर एक दिन वो एक पब्लिशर के पास जाता है कि वो उसकी किताब को छापे, पर वो उसको मना कर देता है। वो कहता है कि तुम्हारी थ्योरी गलत है, तुम्हारी सारी रिसर्च गलत है। सालों से ये बात सुनते आए हैं कि रहने वाले लोग एशिया से हैं, ना कि साउथ अमेरिका से। और 1500 सालों से हमने इसी बात को सुना है कि उस वक्त साउथ अमेरिका के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, ना कोई ऐसी बोट कश्ती थी कि लोग इतना लंबा सफर तय कर पाते, जबकि एशियंस के पास ऐसा सब कुछ था। इसीलिए कोई भी तुम्हारी थ्योरी पर यकीन नहीं करेगा। थॉर कहता है वो राफ्ट पर आए थे, एक लकड़ी की बनी हुई कश्ती पर जो उन्होंने खुद बनाई थी। इस बात पर पब्लिशर हंसने लगता है, कहता है, अच्छा अगर ऐसी बात है तो तुम जाओ राफ्ट पर अमेरिका से अपना सफर शुरू करो और पॉलिनेशिया के आइलैंड तक पहुँच कर दिखाओ। अगर तुम कामयाब हो गए तो मैं तुम्हारी किताब पब्लिश कर दूंगा, आप दूंगा। क्योंकि वो पब्लिशर ऐसा इसलिए कह रहा था कि इतनी सी राफ्ट के जरिए बड़े से समंदर को पार नहीं किया जा सकता। और अब थॉर के पास अपनी बात को साबित करने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो साउथ अमेरिका से अपना सफर शुरू करे एक राफ्ट पर, जिसका सफर 8000 किलोमीटर से भी ज्यादा था, वो भी ऐसे समंदर पर जहाँ पर बड़े बड़े शिप डूब जाया करते थे। इन सब के लिए थॉर को पैसों की भी जरूरत थी। वो मैगजीन वालों के पास जाता है और उन्हें बताता है कि ये 8000 किलोमीटर लंबा सफर तय करने वाला है, वो भी एक लकड़ी की ऐसी राफ्ट पर जो 1500 साल पहले चलती थी, जिसमें कोई भी सहूलत नहीं होगी। मैगजीन वाले कहते हैं, क्या तुम मरना चाहते हो? हम ऐसे लोगों को पैसे नहीं देते जो जानबूझकर मरना चाहते हों। अब वो क्लब में जाता है और ऐसे लोगों से मिलता है जिन्होंने अपना बहुत सा वक्त समंदर में गुजारा था। वो उनको एक राफ्ट का नक्शा दिखाता है, क्या तुम मेरा साथ दोगे? तभी उनमें से बैठा हुआ एक आदमी बोलता है, क्या तुम जानते हो ये कितना मुश्किल है? तुम जो मुझे राफ्ट का नक्शा दिखा रहे हो, हम जो इसमें लकड़ियों को बांधेंगे उनकी रस्सियाँ कुछ ही दिनों में खुल जाएंगी और हम लोग उधर ही फंस जाएंगे, मर जाएंगे, उधर ही पानी में डूब जाएंगे। थॉर इनकी बातें सुनकर यहाँ से चला जाता है, पर इधर ही एक आदमी बैठा था जो सब बातें सुन रहा था।
वो थॉर के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारा राफ्ट वाला आइडिया अच्छा लगा। थॉर उससे कहता है कि आखिर तुम हो कौन। वो कहता है कि मैं एक इंजीनियर हूँ और मैं इस काम में तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। इस तरह थॉर को अपना पहला साथी मिल चुका था। वो उसको अपनी टीम में शामिल कर लेता है। अभी भी उसको इस काम के लिए पैसों की जरूरत थी। वो अपनी बीवी को फोन करता है और कहता है कि इस क्रिसमस पर घर नहीं आ सकता, मैं एक सफर पर जा रहा हूँ। उसकी बीवी मना करती है, कहती है नहीं ऐसा नहीं करो, ये बहुत मुश्किल है। वो अपनी बीवी से कहता है अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं खत्म हो जाऊंगा, मैंने अपनी जिंदगी के 10 साल इस रिसर्च पर खर्च किए हैं। और ये कहकर वो फोन को बंद कर देता है, जिसके बाद वो अपने साथी के साथ एक जगह पर जाता है जहाँ पर बहुत सारी लकड़ियाँ थी और इसके 3 साथी भी थे। अब ये पूरे 5 लोग थे। थॉर इनसे कहता है हम इसमें किसी चीज को नहीं बदल सकते, नहीं तो हमारा ये दावा गलत हो जाएगा कि वो लोग राफ्ट पर आए थे। वो एक आदमी के पास जाता है जो बहुत अमीर था। वो उसे पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है। इनकी खबर अखबार में भी छप चुकी थी, जिसे देखकर एक कैमरामैन भी इनकी टीम में शामिल हो जाता है ताकि ये पूरे सफर को रिकॉर्ड कर सके। इन लोगों ने राफ्ट को बना लिया था। इनको बहुत सारे लोग समंदर के किनारे अलविदा करने आते हैं। सबको यही यकीन था कि कोई भी इन्हें दोबारा नहीं देख पाएगा, क्योंकि ये इतने बड़े समंदर में एक छोटी सी राफ्ट पर थे। इनके पास एक छोटी सी कश्ती जो मुसीबत में काम आती, खाने पीने का कुछ सामान और एक रेडियो था। अब आहिस्ता आहिस्ता इनकी राफ्ट समंदर की गहराइयों में उतर जाती है। एक दिन जब ये रात को सो रहे थे तभी उधर बहुत बड़ा तूफान आता है। थॉर जब राफ्ट के पर्दे को हटा रहा था तो वो ऐसा करते हुए पानी में गिर जाता है। थॉर को तैरना नहीं आता था, पर फिर भी उसके साथी उसे बचा लेते हैं और इस तरह उसकी जान बच जाती है। जब सुबह होती है तो ये देखते हैं कि तूफान की वजह से इनकी राफ्ट को काफी नुकसान पहुंचा था। ये सब मिलकर उसे ठीक करते हैं। समंदर अब बिल्कुल खामोश था और ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। पर ये सफर इतना आसान नहीं था जितना ये लोग सोच रहे थे। तभी समंदर में इनको एक शार्क दिखाई देती है। ये उसको रिकॉर्ड करने लगते हैं। तभी थॉर का पहला साथी जो इंजीनियर था वो देखता है कि शार्क इनकी राफ्ट के नीचे से गुजर रही है। ये बहुत ज्यादा डर जाता है। अब ये उधर ही शार्क को मारने वाला हथियार उठाकर उसके ऊपर फेंक देता है। उसके साथी उसे रोक भी रहे थे पर वो नहीं मानता। जो हथियार इसने फेंका था उसके साथ रस्सी बंधी हुई थी और वो शार्क को लग जाता है, जिससे वो पागल हो गई थी। वो समंदर में घूमने लगती है। इनकी राफ्ट डूबने वाली थी पर बच जाती है। इसके साथी की इसके साथ लड़ाई भी हो जाती है। वो कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते थे। यहाँ पर थॉर सबसे कहता है कि यहाँ पर कोई किसी के साथ नहीं लड़ेगा, मैं तुम लोगों का लीडर हूँ, जो कहना है मुझे कहना है। इसी तरह दिन गुजर जाते हैं। इनका रेडियो भी काम करना बंद कर देता है और इनका रابطہ किसी से नहीं हो पाता। इंजीनियर साथी भी पागल होने लगा था। वो सोचता है बहुत जल्दी ये राफ्ट डूब जाएगी, हम सब मर जाएंगे। इसके दिमाग में यही सब चल रहा था, जिसके बाद इनके साथ जो कैमरामैन था वो छोटी कश्ती में बैठकर थोड़ा दूर जाकर ताकि वो इनकी वीडियो बना सके, इन्हें रिकॉर्ड कर सके। पर उधर बहुत बड़ी बड़ी शार्क आ जाती हैं जो उस पर हमला करने वाली थी। पर थॉर उसको देख लेता है और जल्द ही उसे पानी से निकाल लेता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। पर समंदर में हर तरफ खतरा था, हर तरफ इनकी मौत थी। इन्हीं में से एक साथी के पास तोता था जो पानी में जाकर बैठ जाता है। तभी बहुत बड़ी शार्क आकर उस तोते को खा जाती है। जिस आदमी का ये तोता था उसे बहुत दुख होता है। जब वो शार्क इनकी राफ्ट के पास आती है तभी वो आदमी इसको पूंछ से पकड़कर राफ्ट पर लाकर ये सब मिलकर इसे मार देते हैं। अब शार्क को तो इन्होंने मार दिया था, पर उसका खून पानी में फैल जाता है, जिससे और भी शार्क्स इनकी राफ्ट के पास आ रही थी। वो इंजीनियर साथी बहुत डर जाता है। तभी वो एक बॉक्स लाता है जिसमें लोहे की तारें थी। वो कहता है कि हम अपने राफ्ट को इससे बांध लेते हैं, नहीं तो हम डूब जाएंगे, इस शार्क का खाना बन जाएंगे। पर थॉर उससे वो लोहे की तारें लेकर फेंक देता है और कहता है नहीं, हम बिल्कुल वैसे ही जाएंगे जैसे 1500 साल पहले लोग गए थे। इन सब बातों से इंजीनियर का दिमाग खराब हो जाता है और उसका पांव फिसल जाता है, जिससे वो बेचारा पानी में गिर गया था। इससे पहले वो शार्क का खाना बनता।
उसके साथ ही उसे बचा लेते हैं। वो सबसे माफ़ी मांगता है कि वो गलती पर था, पर यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये थी, ये सब अपने सफर पर तो थे पर कोई भी नहीं जानता था कि ये बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हैं या नहीं। पर थॉर को यकीन था, वो कहता है हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। इनको इस सफर पर पूरे 3 महीने हो चुके थे। अब इनके रेडियो ने भी काम करना शुरू कर दिया था। ये अपने रेडियो के जरिए सबको मैसेज देते हैं। बाहर की दुनिया में एक हंगामा मच चुका था। बरसों से उनकी जो रिसर्च थी सब गलत थी। एक सुबह इनके साथी को आसमान पर उड़ता हुआ परिंदा दिखाई देता है। ये सब बहुत खुश थे कि ये जमीन के करीब है। सामने ही इनको आइलैंड दिख चुका था, पर अभी भी मुश्किलात खत्म नहीं हुई थी। इनको वहाँ तक पहुँचने के लिए बड़ी बड़ी लहरों का सामना करना था। ये जब पास जाते हैं तो लहरों से इनकी राफ्ट डूबने ही वाली थी, पर किस्मत ने यहाँ पर इनका साथ दिया था और ये लोग पॉलिनेशिया के आइलैंड पर पहुँच चुके थे। इन 6 लोगों ने तारीख को बदल कर रख दिया था, बरसों की थ्योरी को गलत साबित कर दिया था। इन 6 लोगों ने अपनी जान पर खेलकर 101 दिन के सफर को पूरा किया और अपना नाम हिस्ट्री तारीख में लिखवाया। और इससे ये बात साबित हो गई थी कि पॉलिनेशिया के आइलैंड के लोग एशियंस नहीं बल्कि साउथ अमेरिका के थे। जिस राफ्ट पर इन्होंने सफर किया उसका नाम कॉन्टिकी था, जो इस मूवी का नाम भी है, और इसको आज भी म्यूजियम में रखा गया है और हर साल हजारों लोग इसको देखने जाते हैं। और इसी के साथ ही मूवी की सच्ची कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।